ये देखें जी, आ गई जी स्टोरी स्टोरी जी। ये देखें जी, देखें फीड के अंदर ये चीजें काफी महंगा दो ये चीजें होती हैं जो इसके अंदर डाली जाती हैं। और ये देखें जी, और ये आ गई ऊपर से हल्दी। तो जी इसके बारे में थोड़ा बताएं, हल्दी और इसके बारे में थोड़ा है। बहुत से भाई ये सोच भी रहे होंगे कि हमारी भैंसे घट गई है। उसका कारण यही था कि जब तुड़ी नहीं आई ना, तो उसके कारण बहुत सी भैंसे घट जाती है, दो तीन लीटर, तीन लीटर, किसी में डेढ़ लीटर। मगर जो ये फीड हम दे रहे हैं लगातार, उससे हमारी भैंसों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा, पांच चार दिन तो एक आधे लीटर का फर्क आया था, मगर दोबारा फिर रिकवर होगी। शुकन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देख रहे सभी पशुपालक भाइयों को प्रदीप सुदकण की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। आज का वीडियो लेके आए हैं हिसार से। पशुपालक भाइयों की डिमांड रहती है कि कोई अच्छी क्वालिटी की जो पशुओं के लिए दाना है, चूरी है, वो बताएं। तो आज के वीडियो में जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, दो स्टॉक है वो देख सकते हैं, और जो बीकानेरी ब्रांड है उसके बारे में आज हम भाई से जानेंगे। क्योंकि भाई का दावा है कि जो इनकी जो चूरी है, जो पशुओं के लिए दाना तैयार करते हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और रिजल्ट उसके बहुत ही शानदार है। तो आज पूरी जांच करेंगे इस वीडियो में, सारी डिटेल हम लेंगे तो किस तरह से वो भाई इसको तैयार करते हैं। और देख सकते हैं फिलहाल तैयार करने की पूरी तैयारी चल रही है, तो भाई सबसे मिलवाएंगे। तो सभी पशुपालक भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। पूरे भारत में 50 से 60% लोग पशुपालन या फिर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको रामपाल भाई से मिलवाएंगे। पशुपालक भाई वीडियो को शेयर जरूर करें। रामपाल भाई राम राम। भाई राम राम, आपके दर्शकों में राम राम। और भाई सब ठीक हो? हाँ मौजा भाई जी। बस एक बार अपना पूरा एड्रेस बताएं। भाई हिसार से, यहाँ रामफल जांगड़ा जी। जो काम शुरू कर रखा है 2 साल तक। अच्छा, 2 साल पहले आपने काम स्टार्ट किया था। एक बार अपना नंबर होता जी। 97287 जी। 12779 जी। अपना मोबाइल नंबर है 94164962। अच्छा, दो नंबर अपने? दो नंबर है। ठीक है जी, तो भाई साहब के दो नंबर हैं। और जो आज आप ये तैयार कर रहे हैं जी, अपने फीड के बारे में बताएं। आपने बताया था कि मेरा फीड बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, टॉप नंबर वन भाई। हाँ जी, तो टॉप नंबर वन का दावा है आपका। आज बिल्कुल मौके पर देसी रेट कहेंगे हम इसको, क्योंकि देखो बढ़ते हुए देखने के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो भाई साहब तैयार कर रहे हैं। तो भाजी सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आप इसमें मिलाते क्या हैं? भाई साहब का शाम में डालेंगे, देख दे रही हो। हाँ ठीक है, तो सामने ही डाले इसे शुरुआत में अपने, हल्दी मक्की का दाना गेहूं कर दे भाई। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे जी, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ, क्योंकि जो बनते हुए शायद ही कोई आपको दिखाए। कोई ऐसा नहीं कि पैक करके दे दिया और आपको पता ना चले कि इसमें क्या डाला है और किस क्वालिटी का डाला है। ये देखें जी, जो गेहूं डाल दिया ऊपर से, और जो मक्की, थोड़ा मक्की दिखाएंगे एक बार उठा के हाथ में। तो देखिए सारी चीजों की पूरी जांच मैं करूंगा। कौन उठा ले, थोड़ी उठा ले। तो देखें जी, मैं इसको उठा के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो उससे क्वालिटी का पता लग जाए। एक तो मक्की भी कई क्वालिटी होती है जी, गोड़ा टाट गया। बिल्कुल, ये देखें जी, और अपने ब्रांड का नाम है बीकानेरी ब्रांड। तो देखें जी, डाले गेहूं डाल दिया है, और चीजें भी सारी साथ के साथ में आएंगी, वो दिखाएंगे जी आपको किस तरह से तैयार करते हैं। ये देखे, और लगातार स्क्रीन के नीचे दोनों नंबर हैं। चावल किनकी दे ले भाई, चावल की किनकी, ये देखें जी, एक नंबर पे ये देख सकते हैं, जो चावल की किनकी डाल दी है जी, और लेके हैं खंडा लेके, और तीसरे नंबर पे चावल की जो किनकी आ गई है, और स्टॉक आप देख सकते हैं जी कितना सारा है। और इसके बारे में बताएं जी, ये चावल का खंडा, उसका चना खंडा। किसका जी? चना खंडा। चना खंडा, हाँ ठीक है जी। तो देखे डाल दिया है, और जी इसका वैसे क्या, इसका पशुओं के लिए क्या फायदेमंद करता है? इससे पानी पीता है पशु, चारा लिए। अच्छा, हजमा ठीक होता है और पानी ज्यादा पीता है। हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है जी, अगर पानी ज्यादा पिएगा, अच्छी तरह से हजम करेगा, तो दूध की क्षमता भी बढ़ेगी। और रामपाल भाई ने बताया था कि जो इनके पास जो इनकी सप्लाई है जिनके पास, उससे भी ये भाई मिलवाएंगे हमें। मोठ चूरी भाई। किस चीज़? मोठ की चूरी। मोठ की चूरी, ये देखें जी, मोठ की चूरी आ गई है। और देखें जी काफी सारा, देखो यहाँ पे रखा हुआ है जो मिलाने के लिए। देखते हैं जी, अभी देखें डालेंगे, और यहाँ से आप आराम दे, बिल्कुल आपके सामने तैयार करके दिखाते हैं। ये मूंग चूरी, ये मूंग की चूरी है। ये देखे जी, ये मूंग की चूरी आ गई है हाथ में। और ये देखे जी, थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको, ये देखें, ये है मूंग की चूरी। और दो चीजें आप देखो इसमें डल रहे हैं, वो सामने आपको दिखा रहे हैं जी। सोया चूरी है, ठीक है जी। तो ये देखें, यह सोया की चूरी, और ये देखें जी, ये पशुओं के लिए क्या काम करती है बताएं थोड़ा रामपाल। दूध बढ़ाने के काम। हाँ जी, दूध बढ़ाना। अच्छा, इसका मेन पर्पज है पशु का जो दूध बढ़ाना। और लेके आए जी, तो देख सकते हैं जी साथ की साथ में आपको डाल के हम दिखा रहे हैं।
और भाई ने बताया कि जो चीजें मैं मिला रहा हूँ उससे पशु बढ़िया दूध देता है और लंबा दूध देता है, जो एक आम पशुपालक को चाहिए, जो डेयरी फार्मर है उसके लिए। ये जवार होगी जी अपनी, ये देखें, ये जवार है जी, दिखाएंगे जी आपको ये भी, ये देखें, ये जवार आ गई। और देखें कितने सारे आइटम इसके अंदर डाले जाएंगे। तो जुड़े रहें लगातार अपने चैनल पर, पशुपालन से जुड़ी जानकारियां मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोज को भी शेयर करें ताकि और पशुपालक भाइयों को भी पता लगे और उनका भी इससे फायदा हो। ये अपनी खड़ आ गई जी, सरसों की खड़, सरसों की खड़ इसमें आ गई, ये देखें जी सरसों की खड़ इसमें आ गई है, बिनोला खड़। और लेके आए जी, और ये आ गया अपना बिनोला, ये देखें जी जो चीजें डाली जा रही है वो वीडियो में देख पा रहे हैं और किस क्वालिटी की चीजें हैं, जो इनकी ग्रेड है क्वालिटी की, बिल्कुल A1 ग्रेड का यहाँ पर जितना अभी तक इन्होंने डाला है, ये देखें जी बिल्कुल। और लेके आए जी, और आइटम देखिएगा कितने आइटम इसके अंदर डाले जाएंगे जी। और इस तरह से फीड बनते हुए बहुत कम आपने देखा होगा, क्योंकि आप पशु को क्या खिला रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसकी जो ग्रोथ होती है, उसके दूध की क्षमता बढ़ती है। और जो ये देखें, ये खल डाल दीजिए, ये देखें ये दूसरे, एक जो नीचे सरसों वाली थी ये बिनोले वाली खल, और बिनोला आ गया। और आइटम डाले जी, देखें जी काफी सारे आइटम यहाँ पे रखे हैं। और देखें जी पूरा आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से, कितना इसका जो रेट है वो सारी बातें हम पूछेंगे और क्या इसके रिजल्ट आए हैं, कहाँ रखे हैं, क्योंकि भाई ने बताया है तो लगातार जो इसको यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें वीडियो के लास्ट में देखेंगे जी। और क्या इसका प्राइस रेट है, कितनी इसकी पैकिंग है, ये मेथी जी, तो ये देखें ये है मेथी जो तारामीरा भाई, और ये डाल दिया ऊपर से तारामीरा, ये देखें जी बिल्कुल जैसे एक तैयार करते हैं पूरी क्वालिटी को वो मेंटेन कर रहे हैं। और ये देखें जी आगे जी स्टावरी, स्टावरी जी ये देखें जी, देखें फील्ड के अंदर ये चीजें काफी महंगा तो ये चीजें होती हैं जो इसके अंदर डाली जाती हैं। और ये देखें जी, और ये आ गई ऊपर से हल्दी, तो जी इसके बारे में थोड़ा बताएं, हल्दी और इसके बारे में थोड़ा, एक मिनट का, ये पशुओं का दूध बढ़ाने के काम, अच्छा, और पशुओं को बीमारी नहीं आती, थना अच्छा, बीमारी से दूर आता, थने वगैरह जो बीमारी है वो नहीं आती। और ये गर्मी के लिए दिया, और गर्मी का देखो फिलहाल आज जैसे हम वीडियो कवर कर रहे हैं 7 तारीख है, बेलपत्र गिरी मई है, 7 मई, और देख सकते हैं बेलपत्र जी, ये देखें ये इसके अंदर डाला गया है ताकि पशु जो है ज्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि जो खाने पीने की चीज होती है उनसे पशु को असर पड़ता है गर्मी पे, और गर्मी को सहन कर सके। तो देखिए जी और देखते हैं क्या डालेंगे, ये बताएं जी रामपाल जी क्या डाला है, ये जो जी जो, ये देखें जो भी डाल दिए गए हैं, जितनी क्वांटिटी इनको डालनी होती है। और ये क्या जी, इसके बारे में बताए, ठीक है जी डाल दे इसको। और ये जी नमक, नमक तो डाल दें, दोनों को डाल दें, तो देखें जी एक एक जो इसके अंदर मिलाया जाता है आप तैयार कर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखें बस यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, और वो डाल दें जी नमक डाल दें। और ये क्या आइटम है जी एक बार बताएं इसके बारे में, ये टॉक्सिन, टॉक्सिन, टॉक्सिन डाल ले, ये देखें डाल दें। और ये आइटम भी इसके अंदर आ गया है, देखें जी कितनी सारी 20 से प्लस ही जो इसके अंदर जो है वो डाली जाती है, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो जैसे स्थावर वगैरह जो अपनी बहुत ताकतवर चीजें होती हैं डाली गई हैं, और हल्दी भी डाली गई है। और ये जी ये मीठा सोडा, अच्छा ये मीठा सोडा गया जी, और देखें जी सारी चीजें इसके अंदर मिलाई जाएंगी, और यहाँ से बिल्कुल मशीन से पिसके तैयार करके वो हम आपको सारा दिखाएंगे। तो डाले जी ये नमक, ये रे नमक था जी, नमक ठीक है जी, तो ये नमक डाल दिया गया है जी। और देखें अभी यहाँ पे इसको यहाँ से तैयार किया जाएगा, ये देखिए, और बिल्कुल आपके सामने सारी बातें हम पूछेंगे जी, इसका क्या प्राइस है, कैसे कितना दूध इससे बढ़ता है जी। रामपाल जी एक बार सामने आए जरा आगे, हाँ जी भाई, लगभग जी आप इसकी एक बार इसके बारे में बताएं, जो आपने आइटम डाला है ये लगभग 20 के आसपास आइटम होती है, ये कॉस्ट पड़ जाएगी अपने 3300 रुपए क्विंटल, 3300 रुपए क्विंटल, क्विंटल पड़ती है अपना, ठीक है जी। तो क्विंटल के हिसाब से आपको बता दिया, और अपनी पैकिंग जी कितने की होती है, जैसे 40 और 50 की, 40 और 50 की, दो तरह के बैग आपको इनके पास मिलेंगे, 40 किलो का, 50 किलो का, और 3300 रुपए क्विंटल है जी। ये बढ़िया रिजल्ट है, डेयरी वाले से संपर्क कर सकते हो। अच्छा जी, तो अभी तक का मौका नहीं है। हाँ जी, अभी तक इन्होंने देखो जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि मैं बढ़िया इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, और जो अपने आसपास में जिसके पास जा रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि वीडियोस में मैं आपको साथ में दिखा सकूं। तो यहाँ आसपास में जी किसके पास जा रहा है अपना, ये एक तो माता मिंगनीखेड़ा में उसका सुमेर का जाव है, सुमेर मिच्चू भाई साहब हैं, जैसा पशुपालक भाई सभी इनको जानते हैं जी, एक सतपाल लाइन का जाता है मातृश्याम, सात रामदारी का जाव है। अच्छा जी,
कालवास तो मेंगनी खेड़ा में कहने का मतलब कई डेयरी फार्म है जहाँ पे जा रहा है और भी काफी सारे हैं। और सुमीर भाई से आपको मिलवा देंगे क्योंकि यहाँ पास में ही है, तो उनसे मिलवा देंगे और उसका रिजल्ट पूछेंगे जी रिजल्ट क्या है, क्योंकि एंड में जो सबसे चीज आती है वो होता है रिजल्ट, इसका क्या उनको रिजल्ट मिला है। और आपको जितने आपके पास देखो जो आप बोल रहे हो रिजल्ट बढ़िया आए हैं, रिजल्ट बढ़िया है, पशु की ग्रोथ में एक नंबर चीज है। अच्छा, शरीर से निकटता है आगे हमको प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, हमारे पास सबसे मेन समस्या रामपाल जी की आ रही है पशु रिपीटर हो जाते हैं भाई, हमारे फिलहाल कोई शिकायत नहीं है मेरी डेयरी। हाँ, जी बिल्कुल, और शिकायत आनी भी नहीं चाहिए, अगर बढ़िया चीज तैयार कर रहे हैं तो पशु में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पशु वाले डायरी वाले 80-100 पशु वाले डायरी वाले माल लेके जाते हैं। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी मिंगनी खेड़ा में भी कई डायरी है और अपने हिसार में काफी सारे डेयरी फार्म है जहाँ पर ये भाई का जो है ये चूरी तैयार कर रहे हैं, दाना तैयार कर रहे हैं, ये जाता है और इसका रिजल्ट इन्होंने बताया बहुत बढ़िया है। और रिजल्ट के बारे में रिजल्ट तो मेरे डायरी वाला बता देंगे, मैं क्या बताऊंगा भाई। बिल्कुल जी, अपने मुंह से क्या तारीफ करनी है, मैं मेरे तारीफ करूंगा फायदा क्या उससे। जी बिल्कुल, तो समीर भाई साहब से आपको इसमें मिलवा देंगे जी, उनसे पूछेंगे जी क्या इसका रिजल्ट है। और बिल्कुल साफ सुथरा काम उनका है और वहाँ पे भी जो साथ में उनका दूध का काम है, सेल परचेज का भी काम है, तो उनसे मिलवाएंगे और पूछेंगे जिसकी सारी जानकारियाँ। और देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल तैयार किया जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हैं जी, ठीक है। और 40 से 50 किलो की जो इनके पास से बैग मिलेगी, तो डिलीवरी के बारे में बताएं जी थोड़ा राहुल जी। पहुंच है जी। अच्छा, 3300 रुपये। तो 3300 रुपये में पहुंच, कितने किलोमीटर तक की पहुंच करोगे जी? ये 50-60 किलोमीटर की, 50 से 60 किलोमीटर तक की पहुंच कर दें आप 3300 रुपये प्रति क्विंटल में। हाँ जी। और मान लो 100 किलोमीटर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज होगा थोड़ा बहुत जो लगा। हाँ, जो मान लो 50 तक आप दे रहे हो। हाँ। और जो 100 किलोमीटर तक देखो जो भाई और आगे लेके जाएंगे तो देखो उस हिसाब से जो पहुंच है वो 50 किलोमीटर तक है। 3300 रुपये माल की गारंटी लेंगे। हाँ, 100% गारंटी लेंगे। जो पशु खाओगा उसका रिजल्ट 100% है, 100% रिजल्ट उसका। हाँ। और कितने दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा? 10 दिन के बाद सर, 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके पशु में। दूध का जो फैट कितना बढ़ता है? फैट महाराज जी 85-90% जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, 90 को टच करता है, 90 क्रॉस कर जाने के बाद में। हाँ, 90 क्रॉस कर रहा है। तो देखे जी, पशु का जो दूध वाले हैं, जो दूध वाले मेरे भाई हैं डेयरी फार्म वाले, तो उनके लिए फैट बहुत मायने रखता है भाई जी, क्योंकि देखो डायरी वाला बताते हैं फैट अपना तो। हाँ, डायरी पास जाओगे तो उनसे भी पूछेंगे। और देखो भाई ने बताया कि फैट बढ़ता है क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भाई ने हमें बताई है और वो हम समीर भाई साहब से भी लेंगे, तो आपको मिलवाते हैं समीर भाई से। समीर भाई राम राम। हाँ, राम राम जी, राम राम सभी दर्शकों में, मेरी राम राम। और भाई सब ठीक हो? हाँ, बढ़िया साहब। एक बार जी अपना डेयरी फार्म की लोकेशन बता दीजिए दोबारा से। डेयरी फार्म का नाम है रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म जी, गाँव मिंगनी खेड़ा, जिला हिसार, हिसार से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर है जी। जी, और अपना जो बगड़ा भादरा रोड पे, बगड़ा भादरा रोड पे अपना डेयरी फार्म है। और काफी पुराना काम है जी अपना। हाँ, तकरीबन 40-45 साल पुराना काम। हाँ, 40 से 45 साल पुराना काम है। और इनके वीडियोज कवर करने के लिए भी लगातार डेयरी फार्म पर आते रहते हैं। तो जी, आज जो आप फीड यूज कर रहे हैं उसके बारे में पूछने के लिए हम आए हैं। जो बीकानेरी फीड है वो कैसा फीड, आपने कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हो? तो तकरीबन साहब 1 साल हो गया हमको ये फीड यूज करते। अलग अलग फीड यूज करी है। हाँ, तो उन फीडों में हमको रिजल्ट का कौन पता चले इतना। अच्छा, ये क्या है कि हमें एक गाय या एक भैंस के प्रति 1.5 किलो फीड दे रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ अपनी फीड भी दे रहे हैं, जैसे दलिया हो गया। अच्छा, कुछ खड़ हो गई। हाँ, तो इसमें तकरीबन हमारी पर भैंस का 1.5 से 2 लीटर का फर्क है दूध का। अच्छा जी, और एक फैंट का फर्क है। फैट ज्यादा बड़े है? हाँ, इसमें फैंट भी बड़े है। अच्छा, फैंट ये लगाओ तुम आप पहले इकट्ठी भैंसों में 70-65 70-65 70 80-85 कई कई भैंसों में तो 90 से प्लस है। अच्छा, 90 से प्लस है। हाँ जी। अच्छा जी, और जैसे दूध बढ़िया दे रही है कोई और किसी? हाँ, दूध बढ़िया दे रही है। एक भैंसे वो नहीं हो रही है, शरीर से भी नहीं घट रही है। अच्छा, जड़ भी नहीं रही है शरीर से? ये तो अभी ब्याई भी है तकरीबन 3.5 साल। अच्छा जी, अपने पास गाय पे भी वही सेम रिजल्ट आया है? हाँ बिल्कुल, ये हम ना तकरीबन 4 महीने हो इसको। अच्छा, जब प्रेग्नेंट थी तब से दे रहे हैं इसके? हाँ, तब से दे रहे हैं। हाँ, अभी तो ये ब्यागी है। हाँ, तकरीबन 11 लीटर दूध है। और 11 लीटर दूध है देखिए। हाँ, जी, और दूसरे की बच्ची है, दूसरे की बच्ची इसकी सेहत देख लो, ऊपर पट्टी खोल के लिया ये देखें जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पशु मतलब इन्होंने बोल देगा जर गया। हाँ, जर गया या गोबर पतला कर दिया या गोबर ज्यादा पतला कर दिया, दस्त लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने जो डाल रखा है इसके अंदर बिनोड़ा भी है, कई प्रकार के अलग अलग जो फीड डाल रखे इन्होंने। हाँ जी, वो मैंने वीडियो में पहले दिखाई है जहाँ पे उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। हाँ, तो देखो जी यही फर्क होता है अच्छा फीड डालने का। देखो पशु की जो सेहत है वो भी बनी रहे साथ में और दूध भी दे। हाँ जी, तो देख सकते हैं तुड़ी का थोड़ा सीजन बदला है ना, नई तुड़ी आई है। हाँ, तो क्या है कि बहुत सी भैंसें घट भी गई इससे। अच्छा, हाँ, दूध मगर ये जो फीड चल रही है ना हमारी, हाँ, इससे हमारी भैंसों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, लेकिन वही है
तो जो एक नई तुड़ी आती है सूखा चारा जो नया हुआ है उसकी वजह से जो भी बहुत से भाई ये देख भी रहे होंगे, बहुत से भाई ये सोच भी रहे होंगे कि हमारी भैंसे घट गई है। उसका कारण यही था कि जब तुड़ी नहीं आई है ना तो उसके कारण बहुत सी भैंसे घट जाती है, दो तीन लीटर, तीन लीटर, किसी में डेढ़ लीटर। मगर जो ये फीड हम दे रहे हैं लगातार उससे हमारी भैंसों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। पांच चार दिन तो एक आधे लीटर का फर्क आया था मगर दोबारा फिर रिकवर होगी। अच्छा हाँ जी, तो देख सकते हैं जी फीड ने जो रिकवरी की है, जो दूध का जो नए सूखे चारे कारण जो कमी आई थी इसमें, तो उसकी जो रिकवरी फीड ने इसने की है और रिव्यू लेने के लिए आज हम स्पेशली पहुंचे थे भाई साहब के पास में। तो ठीक है समीर भाई। हाँ बिल्कुल साहब, बढ़िया, एक नंबर। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। तो देख सकते हैं, धन्यवाद जी। मैंने समीर भाई साहब से इसका रिव्यू लिया है और बहुत बढ़िया उन्होंने इसके बारे में बताया है, जो भी इसकी खिलाने का जो किस तरह से खिलाया है और जो डेयरी फार्म पर वो यूज करते हैं। अपने दोनों नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं नंबर पे, कॉल कर सकते हैं। और 50 किलोमीटर तक आपने बता के पहुंच है, 33 रुपए प्रति क्विंटल में, तो लगातार सिंह के नीचे नंबर है। ठीक है रामपाल भाई जी, राम राम। राम राम भाई जी, सबने राम राम, हाथ जोड़ के प्यार मेरा नमस्कार जी, नमस्कार। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, कोशिश रहती है कि आप पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी क्वालिटी का फीड लेकर के दिखाएं, क्योंकि लगातार जो वीडियोज होती है वो सेल परचेज वाली भैंसों की होती है। तो आप इसको जरूर ज्यादा है ज्यादा पशुपालक भाइयों तक शेयर करें ताकि और जो पशुपालक भाई मेरे जुड़े हैं उनका फायदा हो सके। जय हिंद, जय गौ माता की, मिलते हैं एक नई वीडियो में।